प्रणाम, हाय, खुशामद्दीन, मैं तो आदर हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। इस पिक्चर का नाम है शिमला मिर्ची। इस पिक्चर का नाम शिमला मिर्ची क्यों रखा है ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, पर मैं एक बात से जरूर सहमत हूँ, इस पिक्चर का नाम शिमला मिर्ची इसलिए रखा होगा क्योंकि इस पिक्चर का शूटिंग शिमला में हुआ है, इसलिए शायद इस पिक्चर का नाम शिमला मिर्ची रखा होगा। और शिमला में तो शिमला की मिर्ची काफी फेमस है, जो गोल और तीन रंग के आते हैं, जो पीले कभी हरे तो कभी लाल। पर जैसे पिक्चर के बैनर में देख सकते हैं शिमला मिर्ची की नाम रख के बाजे एक पतला से लंबा से मिर्ची जो एकदम काफी तीखा रहता है, काफी स्पाइसी रहता है, उसे बाजे में लगा दिया है, जबकि शिमला मिर्ची को लगाना चाहिए। नाम भी कुछ ऐसा है और पिक्चर का स्टोरी भी कुछ ऐसा है कि ना जाने राजकुमार राव जिस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं उन्होंने इस पिक्चर को क्यों उन्होंने चुना ये मुझे समझ में नहीं आया। और इस पिक्चर में हीरोइन के रोल कर रही है रकुल प्रीत सिंह। सबसे खास बात यह है जैसे पिक्चर की शूटिंग 2014 में हुई है, 2014 के 15 के बीच में, जैसे 2015 में इसे रिलीज होना था जबकि इसे 5 साल के बाद यानी 2020 में इसको रिलीज किया गया है। इस पिक्चर के जो हमारे जो डायरेक्टर हैं रमेश शिप्पी, उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया है और इस पिक्चर को उन्होंने डायरेक्ट किया है। जैसे पिक्चर उन्होंने थोड़े पुराने स्टाइल में इसको निकाला गया है और काफी इसमें पुराने एक्टर्स भी है, जैसे पुराने एक्टर्स जैसे हमारे काफी फेमस एक्टर्स जो ड्रीम गर्ल के नाम से जाने जाते हैं हेमा मालिनी जी, तो इस पिक्चर में हीरोइन के माँ के रोल कर रहे हैं। उन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग की है और हीरोइन के रोल कर रही है इसमें बकुल प्रीत सिंह, जो उनकी हीरोइन ज्योति है और हमारे हेमा मालिनी जी की बेटी होती है। बाकी जैसे स्टोरी इस तरह है कि हीरो के घर में प्रेशर होता है शादी कराने का और हीरो जो घबराते हैं हमेशा लड़कियों से, आई लव यू कहने के लिए उनके में ताकत नहीं होता है, तो भले ही पीएचडी पढ़े होते हैं पर जाके कॉफी शॉप में जाके काम करते हैं ताकि हीरोइन से अपनी प्यार कह सके और हीरोइन से प्यार कर सके। वो हीरोइन के कॉफी शॉप में जाके काम करते हैं शिमला में, तो इसलिए शायद ये कहानी है जो शुरुआत से लेकर अंत तक खींचा जाता है। बस उसमें थोड़ी बदलाव है कि जो हीरो जो कहने से कतराते हैं और घबराते हैं जो आई लव यू कहने के लिए, वो लेटर में लिख के डाल देते हैं, उनकी पोस्ट कर देते हैं उनके पोस्ट बॉक्स में और चले जाते हैं हीरोइन के माँ के पास और वो उन्हें प्यार हो जाता है हीरो से। बस इससे शुरुआत ये स्टोरी इस तरह चलता है, इसी तरह कहानी जो थोड़ा ऐसे जाके थोड़ा एंड होता है, थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा देखने के लिए अच्छा है। और जैसे इसमें सपोर्टिंग एक्टर्स है जो शक्ति कपूर जी जो पुराने एक्टर वो भी काफी एक्टिंग कर लेते हैं इसमें, थोड़े इनका कुछ इस पिक्चर में एक्टिंग कुछ खास नहीं है। और इसमें सपोर्टिंग एक्टर जो है कुलजीत सिंह जो उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर में रोल किए, जैसे हीरोइन के माँ बाप जो होते हैं डायवर्स हो चुके होते हैं और माँ के साथ रहती है हीरोइन और इस तरह उनकी लाइफ चलता रहता है। और जब हीरो हीरोइन के पहली नजर से उनको उनसे प्यार हो जाता है, बस उनको कहना होता है बस आई लव यू इसके लिए बस पूरी कहानी और पूरी पिक्चर इस पे बेस्ड है, ऐसे चलता है इस पिक्चर में। देखते हैं, जबकि मुझे कुछ खास नहीं है कि थिएटर में कुछ बड़ी नाम कर पाएगी, मैं तो सिर्फ इस पिक्चर को 2 स्टार दूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं दूंगा। ठीक है, आप टाइम पास के लिए देख सकते हैं, परिवार के साथ जाके आप देख सकते हैं, पर और सिर्फ आप अगर आप संडे बिताना चाहते हैं या सैटरडे बिताना चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं, बल्कि इस पिक्चर में कुछ है नहीं, कुछ खास है नहीं, बस टाइम पास के लिए आप जाके देख सकते हैं। गाने तो अच्छा है पर देखने लायक है, ठीक है, पिक्चर कुछ खास नहीं है। देखते हैं जब बॉक्स ऑफिस में कैसे अपने नाम कमा पाएगी और पैसे जमा पाएगी, पर जबकि ये पिक्चर 5 साल पहले रिलीज हुआ था, 5 साल के बाद रिलीज किया गया है और बैंकॉक में 18 स्टूडियो के बैनर पर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भाई रिव्यू चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट हर पिक्चर के बारे में रिव्यू और ट्रेलर का रिव्यू मैं आपको अपलोड करता रहूंगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।